हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका ढाकने। सो आज के वीडियो में हम मटेरिया मेडिका का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जेलसेमियम एंड कॉस्टिकम इन पैरालिसिस। सो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो बहुत ही ज़्यादा इजी है इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान में रखना। सो इस क्वेश्चन के आंसर को ध्यान में रखने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है जेलसेमियम का और जेलसेमियम के पैरालिसिस और कॉस्टिकम के पैरालिसिस को कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करने के लिए फर्स्ट पॉइंट है, इन दिस देर इज अ पैरालिसिस ऑफ ग्रुप ऑफ मसल। सो इन जेलसेमियम, जेलसेमियम में जो पैरालिसिस होता है वो ग्रुप ऑफ मसल्स का होता है, और कॉस्टिकम में जो पैरालिसिस होता है वो सिंगल पार्ट या फिर सिंगल पार्ट का पैरालिसिस होता है, यानी कि फेस या फिर मसल। लेकिन जो जेलसेमियम में हो सकता है वो जो पैरालिसिस होता है वो मतलब लिम्स के भी, मतलब लोअर लिम के भी मसल्स का, ग्रुप ऑफ मसल्स का पैरालिसिस होगा और अपर लिम का भी प्रेजेंट होगा, लेकिन कॉस्टिकम में ऐसा नहीं होगा, कॉस्टिकम में सिंगल पार्ट अफेक्टेड होगा। देन सेकंड पॉइंट इज डलनेस ड्राउजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग इज द की नोट सिम्टम ऑफ जेलसेमियम। सो जो जेलसेमियम का जो पेशेंट होगा उसमें डलनेस प्रेजेंट होगा, डिजीनेस होगा, ड्राउजीनेस होगा, ट्रेम्बलिंग होगा, और जो कॉस्टिकम का पेशेंट होगा उसमें ट्वीचिंग और जर्किंग ऑफ मसल प्रेजेंट होगा, यानी कि उसमें डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, ट्रेम्बलिंग इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, लेकिन उसकी जो मसल्स है उसमें ट्वीचिंग और जर्किंग दिखाई देगा। देन जेलसेमियम इन जेलसेमियम हेयर इज अ मस्क्यूलर वीकनेस, कंप्लीट रिलैक्सेशन, प्रोस्ट्रेशन एंड लैक ऑफ मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट। इन कॉस्टिकम देयर इज अ नमनेस एंड लॉस ऑफ सेंसेशन प्रेजेंट। सो जो जेलसेमियम का पेशेंट होगा उसमें मस्क्यूलर कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा, और जो कॉस्टिकम का पेशेंट होगा पैरालिसिस का उसमें नमनेस, यानी कि वो जो पार्ट होगा वो पूरा नम हो जाएगा और उसमें बिल्कुल भी सेंसेशन फील नहीं होंगे, लेकिन ये सिम्टम बहुत ज़्यादा मार्कली प्रेजेंट होगा। लेकिन जेलसेमियम के पेशेंट में मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा, मतलब जो मतलब पेशेंट एक मूवमेंट करना चाहेगा लेकिन वो मूवमेंट होगी नहीं, कॉस्टिकम में मूवमेंट होगी लेकिन पेशेंट में लॉस ऑफ सेंसेशन होगा। सो जेलसेमियम यूज्ड टू ट्रीट राइट साइडेड पैरालिसिस, एंड ये कॉमन पॉइंट है कि कॉस्टिकम भी राइट साइडेड पैरालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है और जेलसेमियम भी राइट साइडेड पैरालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज इन जेलसेमियम हेयर इज द सेम पैराटिक कंडीशन इज प्रेजेंट इन आईलिड्स कॉजिंग टोसिस, डिप्लोपिया एंड ऑल्सो पैरालिसिस ऑफ ईसोफेगस प्रोड्यूसिंग डिफिकल्टी इन स्वालोइंग इन एनस विच रिमेन्स रिलैक्स्ड ऑन एंड ओपन। सो जेलसेमियम का जो पेशेंट होगा उसमें आईलिड्स में भी पैरालिटिक कंडीशन प्रेजेंट होगी, ईसोफेगस में भी पैरालिटिक कंडीशन प्रेजेंट होगी और एनस में भी पैरालिटिक कंडीशन होगी। सो आईलिड्स में पैरालिटिक कंडीशन की वजह से स्टोसिस यानी कि ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, डिप्लोपिया यानी कि एक चीज़ डबल दिखना, यानी कि कोई भी अगर चीज़ को हम देख रहे हैं, सपोज मैं अपने सामने किसी घड़ी को देख रही हूँ तो वो घड़ी भी मुझे डबल दिखाई देगी, जिसका मतलब है डिप्लोपिया, जिसे हम डिप्लोपिया कहते हैं। अगर ईसोफेगस में पैरालिसिस प्रोड्यूस करेगा तो उसके वजह से क्या होगा, स्वेलोइंग में डिफ़िकल्टी होगी, और एनस में पैरालिसिस की वजह से जो एनस है वो रिलैक्स्ड होगा और रिलैक्स्ड होने की वजह से वो ओपन रहेगा। कॉस्टिकम में टोसिस और ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड प्रेजेंट होगा, उसमें ईसोफेगस में या फिर एनस में पैरालिटिक कंडीशन प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन आईलिड्स में पैरालिटिक कंडीशन प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से टोसिस और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड हो सकता है। देन जेलसेमियम का नेक्स्ट पॉइंट है, हेयर देयर इज अ कन्फ्यूज्ड मसल विच रिफ्यूज टू ओबे द विल। इन अ कॉस्टिकम हेयर देयर इज अनस्टेडी वॉकिंग एंड ईजीली फॉलिंग। सो जो जेलसेमियम का पेशेंट होगा पैरालिसिस का उसमें उसकी जो मसल्स होगी वो कन्फ्यूज्ड होगी, और वो जो मतलब व्हील की जो व्हील है उसको ओबे करने से रिफ्यूज़ करेगी, लेकिन
जिसकी वजह से मतलब वो पेशेंट ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा। कॉस्टिकम के पेशेंट में ऐसा नहीं हुआ, कॉस्टिकम का पेशेंट मूवमेंट कर पाएगा लेकिन वो जो मूवमेंट होगी वो अनस्टडी होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगी, वो बहुत ज़्यादा मतलब जो नॉर्मल वॉक नहीं कर पाएगा, मतलब वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिलेगा वॉक करते वक्त, या फिर ईजिली गिर जाएगा, यानी कि ईजिली फॉलिंग। सो जेल्सेमियन का पेशेंट मतलब अगर वॉक करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगा, कॉस्टिकम का पेशेंट कर पाएगा लेकिन वो अनस्टडी होगा और ईजिली गिर जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, जेल्सेमियन का जो कॉजेशन और एलिमेंट्स फ्रॉम है वो किसकी वजह से हो गए, फियर, फ्राइट, एक्साइटिंग एंड बैड न्यूज़, डिप्रेशिंग इमोशन एंड थंडरस्टॉर्म। और जो मतलब जेल्सेमियन के पेशेंट को जो कंप्लेंट्स होगी वो किस वजह से होगी पैरालिसिस की, उस फियर एंड फ्राइट की वजह से होगी, या फिर एक्साइटिंग एंड बैड न्यूज़ की वजह से होगी, या फिर डिप्रेसिंग इमोशंस, या फिर थंडरस्टॉर्म की से पहले वो कंप्लेंट्स स्टार्ट होंगी। और जो कॉस्टिकम का पेशेंट है उसमें उसकी जो कंप्लेंट स्टार्ट होगी वो कोल्ड एयर में स्टार्ट होगी, या फिर आफ्टर टाइफॉइड, या फिर आफ्टर डिप्थेरिया। देन नेक्स्ट इज अ मोडलिटीज। सो जो पैरालिसिस जेल्सेमियन का पेशेंट का जो पैरालिसिस होगा उसके उस कंप्लेंट्स का एग्रेवेशन यानी कि कंप्लेंट्स बढ़ना। सो कंप्लेंट्स बढ़ेंगी डैम्प वेदर में, बिफोर थंडरस्टॉर्म, इमोशंस, एक्साइटमेंट, बैड न्यूज, व्हेन थिंकिंग अबाउट एलिमेंट्स एंड टोबैको स्मोकिंग एंड एट 10 AM। लेकिन इसके अपोजिट कॉस्टिकम का जो है एग्रेवेशन वो क्लियर एंड फाइन वेदर में होगा। जेल्सेमियन का डैम्प वेदर में एग्रेवेशन होगा, कॉस्टिकम का क्लियर एंड फाइन वेदर में एग्रेवेशन होगा, और कोल्ड वाइंड में भी होगा व्हाइल कमिंग फ्रॉम कोल्ड एयर इनटू वार्म रूम। और जो एमेलरेशन है जेल्सेमियन के पेशेंट का वो होगा प्रोफ्यूज यूरिनेशन एंड कंटिन्यूड मोशन। अगर वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करेगा तो उसकी कंप्लेंट्स को रिलीफ मिलेगा, या फिर आफ्टर प्रोफ्यूज यूरिनेशन के प्रोफ्यूज यूरिनेशन के बाद भी उसको रिलीफ फील होगा। और जो कॉस्टिकम का पेशेंट है उसको डैम्प वेट वेदर में अच्छा लगेगा। सो ये अपोजिट है जेल्सेमियन के, जेल्सेमियन के पेशेंट को डैम्प वेदर में एग्रेवेशन होगा, कॉस्टिकम के पेशेंट को डैम्प वेदर में अच्छा लगेगा। सो आई होप आप लोगों को जेल्सेमियन और कॉस्टिकम का जो पैरालिसिस है उसका कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट समझ में आया होगा। सो अगर आप लोगों को ये समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।